नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज 4 मई के डूडल पर, गूगल ने जो डूडल बनाया उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डूडल बहुत ही स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? दोस्तों गूगल ने आज 4 मई की डेट में हमीदा बानो को अपने डूडल में स्थान दिया। गूगल ने डूडल के डिस्क्रिप्शन में कहा कि हमीदा बानो अपने समय की अग्रणी थी और उनकी निडरता को पूरे भारत तथा दुनिया भर में याद किया जाता है। गूगल के इस डूडल को बेंगलुरु की गेस्ट कलाकार दिव्या नेगी ने तैयार किया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन थी हमीदा बानो और उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि अर्जित की थी कि जिसकी याद में आज गूगल ने उन्हें अपने डूडल में स्थान दिया। दोस्तों हमीदा बानो भारत की पहली महिला पहलवान थी। उनका जन्म 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में पहलवानों के परिवार में हुआ था। उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित थी, महिलाएं तो अखाड़ों में उतरने का सोच भी नहीं सकती थी। हमीदा बानो ने जब अपने परिवार वालों से कुश्ती लड़ने की इच्छा जताई तो उनकी इस इच्छा का बहुत विरोध हुआ। इसके बाद वे गुस्से में घर छोड़कर अलीगढ़ चली गई, जहां उन्होंने सलाम पहलवान से कुश्ती के दांव पेच सीखे और धीरे धीरे कुश्ती लड़ने लगी। बहुत जल्द ही हमीदा बानो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गई थी। दोस्तों हमीदा बानो साल 1954 में तब चर्चा में आई जब उन्होंने ऐलान किया कि जो पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएगा उससे वो शादी करेंगी। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका। साल 1954 में ही बड़ौदा में छोटे गामा पहलवान से हमीदा बानो का मुकाबला होना था, पर वो यह कहकर मुकाबले से हट गए कि वो किसी महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमीदा बानो का मुकाबला बाबा पहलवान से हुआ। इस मुकाबले में हमीदा ने बाबा पहलवान को 1:34 में ही धूल चटा दी थी। साल 1954 तक हमीदा बानो ने 300 से ज्यादा मुकाबले जीत लिए थे। हमीदा बानो का नाम अमेजन ऑफ अलीगढ़ पड़ गया था। साल 1954 में ही हमीदा बानो का मुकाबला रूस की पहलवान वेरा चिस्टलिन से मुंबई में होना था। वेरा को रूस की फीमेल बियर भी कहा जाता था। हमीदा बानो ने वेरा को 1 से भी कम टाइम में मुकाबले में शिकस्त दे दी थी। वेरा पर जीत के बाद हमीदा ने यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा से उनके कोच सलमान पहलवान खुश नहीं थे और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने गुस्से में हमीदा बानो को इतना मारा कि हमीदा के एक पैर में गंभीर चोट लग गई और जिसके बाद वो सालों तक लाठी के ही सहारे चलती रहीं। गुमनामी के साथ जीवन जीते हुए वर्ष 1986 में हमीदा बानो का दुखद निधन हो गया। तो दोस्तों ये जानकारी थी भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो के बारे में, जिन्हें आज 4 मई को गूगल ने अपने डूडल में स्थान दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।